सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जो है मैं नहा लिया हूँ, पूजा भी कर लिया हूँ और मैं रेडी हो गया हूँ, आप देख रहे हैं। तो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको जो पिछले वाला वीडियो 1 जनवरी को जो मैंने पोस्ट किया, माई फर्स्ट ब्लॉग, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज जो है, आज मेरे लिए बहुत ही खास डे है क्योंकि आज मेरी माँ का बर्थडे है। तो अभी हम अपने माँ से मिलाएंगे, माँ को अभी ऐसी बर्थडे, तो चलिए आप लोग विश करेंगे। मामा हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरी माँ को विश कर दे हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज जो है मेरी माँ का बर्थडे है। और देखिए भाई भी उधर है, तो वो भी अभी विश करेगा हैप्पी बर्थडे। तो अभी देखिए आज जो है, अभी देखेंगे आगे क्या, तो अभी देखते हैं आगे, बने रहे हमारे साथ ब्लॉग पे, आगे दिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो बने रहे इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग पे। घर का लाडला अमन तिवारी जो है अभी मम्मी को विश करेगा, तो विश करो मम्मी को, बोलो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो देखिए अब वो जो है प्रणाम कर रहा है, मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिए हम लोग सबको मिल के। तो अभी आगे का प्लान आप लोग को बताएंगे कि क्या करना। अभी जो है जो नाश्ता में है क्या देखेंगे, चलिए। तो अभी हम लोग जाएंगे और कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद बताएंगे आगे का प्लान क्या है आज का। जानते हैं आज जो है मेरे लिए बहुत ही खास डे है क्योंकि आज जो है मेरी मम्मी का बर्थडे है। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, दिखाते हैं आगे। दोस्तों जो है आज का जो नाश्ता है वो रात वाला पूड़ी है, चाय है और बिस्किट है। तो अभी इसको हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद क्या करना है बताएंगे आगे। तो तब तक के लिए ब्लॉग पे बने रहो। जो है हमने सोचा है कि शाम को मम्मी का बर्थडे मनाएंगे, तो अभी जो है शाम को हम लोग जाएंगे बरबट्टा केक उगलाने के लिए। तो उसके बाद अभी जो है, अभी हम लोग दोपहर का जो है खाना खा लेते हैं, उसके लिए हम लोग बनाएंगे आज ऑमलेट। ऑमलेट बनाने के बाद हम लोग खाएंगे, उसके बाद जाएंगे मार्केट। तो फिर आपको आगे दिखाते हैं। जो है देख रहे हैं भाई जो है अंडा लेके रेडी हो गया है यहाँ पर, देखिए कढ़ाई, इसमें जो है अभी हम लोग बनाएंगे ऑमलेट। तो तब तक के लिए बने रहे। हमारा ऑमलेट जो है रेडी हो गया है, तो दिखाते हैं। टन टन, देखिए ये जो है हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। अभी हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे, उसके बाद हमको जाना है, मेरा 2 बजे से ट्यूशन है। हम ट्यूशन पढ़ा के आएंगे, फिर जाएंगे हम लोग मार्केट कुछ कुछ सामान खरीदने के लिए। तो तब तक के लिए बने रहो। मैंने खाना खा लिया है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 2 बज गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 2 बजे का टाइमिंग है मेरा ट्यूशन का, तो अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ाने में जाऊँगा, उधर से आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे केक लाने के लिए। क्या क्या लेना है तो आगे फिर मिलते हैं। अभी जो है हम अपना ट्यूशन पहुंच गए हैं, अभी यहाँ पर सबको पढ़ाना, देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट लोग जो है आए हुए हैं यहाँ पे, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके बाद पढ़ा के फिर घर जाना है, फिर आगे काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं ट्यूशन पढ़ा के घर आ गया हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई क्या कर रहा है, उसके बाद जाना है हमको मार्केट। सागर, तो भाई अभी जो है सोया हुआ है, तो अभी उसको बोलेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग। तो देखिए वो लोग सोया हुआ है, तो मम्मी लोग भी हैं, सबको यहाँ पर हैं, देव लोग हैं, सोया अभी उसको बोलेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग मार्केट। बैड लक, अभी जो है पापा गाड़ी लेके भट्टा चले गए हैं, तो पापा जब आएंगे शाम में तब हम लोग जाएंगे मार्केट। सो अभी हम लोग टाइम पास के लिए खेलेंगे बैडमिंटन, तो बने रहे हमारे साथ, दिखाते हैं आपको बैडमिंटन खेलते हुए। और जो है ये हमारा बैट है और बॉल ऊपर पहुंच गया छाइन में, तो अभी उसको हम उतारेंगे, ये थोड़ा व्यवस्था खराब है, चलिए निकालते हैं उसको। मार नहीं पा रहे हैं, उसको नमा रहे हैं, ये उतर गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि अभी जो है हमने खेला बैडमिंटन, और देखिए अभी तो सब कोई खेल ही रहे हैं, रोड पे भी जो है बाहर बाहर साइड पे सब बहुत कोई बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी हमने बैडमिंटन खेल लिया है और फिर पापा जब आएंगे तब हम लोग जाएंगे मार्केट। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।
तो फ्रेंड अभी जो है हम घर से निकल गए हैं केक लाने के लिए। पापा गाड़ी लेके नहीं आए थे, इसलिए जो है हमारे गांव के एक सोनू भी आए हैं साथ में, देखे होंगे इनको। तो अभी इनके साथ हम जा रहे हैं केक लाने के लिए, और केक लाने के बाद फिर रात को मनाएंगे बर्थडे पार्टी। तो अभी जो है हम केक दुकान आ गए हैं, और अभी हम यहाँ से केक लेंगे, उसके बाद हमको जाना है घर। तो चलिए देखते हैं फिलहाल केक। तो दोस्तों अभी जो है हमने केक ले लिया है अभी, और केक ले लिया, अब हम लोग जाएंगे घर। तो फिर आपको लोग आगे दिखाते हैं, अभी मार्केट से दूध भी लेना है, तो फिर दिखाएंगे बाद में। दोस्तों अभी जो है हम दूध लेने के लिए आए हैं, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा टॉय है जो जिस तरह हम आवाज़ निकालेंगे उस तरह वो भी आवाज़ निकले, तो दिखाते हैं आपको। अंडर एक दूध कैंडल एक ठो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। है ना, कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर, चल तो बाय। अभी हम घर आ गए हैं, सारा सामान लेके, केक लेना था और दूध लेना था और आटा भी लाना था, तो वहाँ से मैंने ले लिया है। और अभी हम घर आ गए हैं, अभी कुछ देर बाद जो है हम लोग थोड़ा मोड़ा बलून वगैरह सजा देंगे। ये देखिए भाई जो है थोड़ा मोड़ा बलून फुला रहा है, वहाँ पे लगाएंगे ताकि अच्छा दिखे। उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे, तब तक आप हमारे साथ दुआ पे बने रहो, दिखाते हैं आगे बर्थडे सेलिब्रेशन। थोड़ा मोड़ा सजावट जो हो गया हम लोग कर दिए, थोड़ा मोड़ा बलून वगैरह टांग दिए हैं, और क्या बोलते हैं कि केक भी रेडी है, और मम्मी जो अभी रेडी हो रही है, हो ही गई है, मतलब 5 मिनट लगेगा। उसके बाद हम लोग जो है केक कट करेंगे, तब तक के लिए आप ब्लॉग पे बने रहो, फिर हम लोग केक कट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फाइनली दोस्तों अभी जो है मेरी मम्मा जो है रेडी हो गई, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, केक को कट करेंगे। तब तक हमारे साथ ब्लॉग पे बने रहो, फिर हम लोग केक को कट करेंगे। अभी जो है मैंने मम्मी का बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर लिया है, और अभी मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दबा के शेयर करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दबा के शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो राम राम।